हमारे पास दो फॉर्मूले हैं कैर एंड कोर, मतलब कि अगर हम कोई करेक्टर लिखते थे यानी एबीसीडी का ए लिखा तो एक्सेल इसको एक बाइनरी कोड सिस्टम में जानता है जिसको हम स्काई वैल्यू कहते हैं, उसको पता करने के लिए हम कोड यूज करते हैं। मतलब कि एक्सेल जो है डायरेक्ट ए को ए नहीं समझता, ए को 65 समझता है। जब हम इस बात को जानते हैं कंप्यूटर नंबरिंग न्यूमेरिक भाषा पे चलता है, तो जब ए टाइप करते हैं तो इंटरप्रेटर जो होता है, कन्वर्टर जो होता है, उसको 65 में कन्वर्ट कर देता है। और अगेन हमारे पास एक फॉर्मूला है कैर का, CHR कैर, जो 65 को अगेन करेक्टर में कन्वर्ट करता है। तो दो फॉर्मूले हैं कि आप किसी करेक्टर का स्काई वैल्यू पता करने के लिए कोड लगा लो, और किसी स्काई वैल्यू के भी आप करेक्टर पता करने के लिए कैर लगा लो। ये छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, लेकिन हाँ ये इसका एक अच्छा बेनिफिट है, आगे हम इसे डिस्कस करते हैं। दूसरा, हमारे पास दो फॉर्मूले आते हैं क्लीन और ट्रिम, डेटा क्लियरेंसिंग की बात होती है। तो जी मैंने यहाँ पे लिखा, अपना नाम ही लिखता हूँ, और नाम के बाद में मैंने एक स्पेस दे दिया। इस तरह से अनवांटेड स्पेस अगर आपके डेटा में है जो दिखते नहीं है, बट क्या होता है कभी कभी आप लुकअप लगाते हो, कुछ ऐसे लगाते हो तो मैच नहीं करता, दोनों बराबर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये दोनों आप इसको आपस में बराबर लग रहे हैं, बट दोनों बराबर नहीं है। आप इसको लॉजिक दे के देखो कि क्या दैट इज इक्वल फॉर दैट, तो यहां पे आएगा फॉल। तो होता है फॉल्स इसलिए आया क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, इसमें स्पेस लगा हुआ है सर और इसमें स्पेस नहीं है, ठीक है ना। इसकी अगर काउंट निकालो किसी भी सेल के अंदर कितने वैल्यू कितने ये है क्या बोलते हैं टेक्स्ट डिजिट है या फिर अल्फा न्यूमेरिक है, उसको पता करने के लिए आप लेन का फोर लगाते हैं। लेन क्या करता है, लेंथ को काउंट करता है, नंबर रिटर्न द नंबर ऑफ करेक्टर इन द टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ जो आपको 6 दिखेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम होती रहती है। ठीक है सर, हेलो। हाँ सर सुन रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास अगर मान लीजिए कि इसको मुझे हटाना है, कि इस जो अनवांटेड स्पेस आ रहा है, इस अनवांटेड स्पेस को मुझे रिमूव करना है। अनवांटेड स्पेस को रिमूव करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ट्रिम का, TRIM ट्रिम। ट्रिम क्या करता है कि किसी भी सेल के अगर आगे या पीछे मैक्रो लगा हुआ ये स्पेस लगा हुआ वो हटा देगा, आगे और पीछे का हटाएगा, बीच का नहीं हटाएगा। जैसे कि सुजीत और कुमार बीच में लिखा हुआ है, इसका नहीं हटाएगा, सिर्फ अनवांटेड स्पेस वो चेक करेगा कि इस स्पेस की जरूरत है या नहीं है, नहीं है तभी हटाएगा। लेकिन कभी कभी स्पेस की जगह पे कुछ और होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मैंने यहाँ पे लिखा सुजीत, और आपको पता है कि अगर हमें टाइप करते समय रैप करना होता है तो क्या करते हैं, हम ऑल्ट और एंटर प्रेस कर देते हैं। मैंने ऑल्ट और एंटर प्रेस करके यहाँ पे कुमार लिख दिया। अगर मैं इसको ट्रिम करता हूं तो यहां पे देखिए कि सुजीत कुमार दिखेगा। अगर मैं इसका लेंथ निकालू तो लेंथ में क्या आ रहा है, 12। अब फिर कभी नंबर काउंट कीजिए नंबर ऑफ करेक्टर को, ग्यारह 12 आ रहा है। तो 10 है, 11 है, तो 11 है, तो 12 क्यों आ रहा है। ओके। वो एक एंटर करेक्टर को भी काउंट कर रहा है। हाँ देखिए अभी हमारे पास विंडो 8 है, इसे पता नहीं चल रहा। अगर आपके पास एक्सी वगैरह होगा तो एक्सी वगैरह पे आपको दिखेगा टी और के बीच में, जो टी और के है ना, इसके बीच में आपको बड़ी एक बॉक्स होगा, उसमें क्वेश्चन मार्क डाला होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉन प्रिंटेबल करेक्टर।
ठीक है, तो नॉन पेंटेबल करेक्टर को रिमूव करना चाहते हो तो आप क्लीन यूज कर सकते हो। क्लीन क्या करता है, ऐसे नॉन पेंटेबल करेक्टर को रिमूव कर देता है। मैं वापस इसको अगर मैं लेन में काउंट करूं तो आपको 11 दिखेगा। ठीक है, तो जब भी आप क्लीन लगाओ तो क्रीम के साथ क्लीन जरूर यूज कर लेना। क्लीन यूज करने से क्या होगा कि आपका मतलब कि दोनों साफ हो जाएंगे, कि जो नॉन अनवांटेड करेक्टर है, स्पेस है, और नॉन प्रिंटेबल करेक्टर है, दोनों का दोनों साफ हो जाएंगे। जब भी हम डेटा एसक्यूएल से या किसी वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम होती है हमारे, तो इस चीज का ध्यान रखिए। क्लीन हाँ सर, क्या पूछा आपने? हाँ, पहले क्लीन फिर ट्रिम। पहले ट्रिम कर लो फिर क्लीन कर लो, पहले क्लीन कर लो फिर ट्रिम कर लो, मतलब सिक्वेंस मैटर नहीं करता है, दोनों करना है आपको। ठीक है सर, किसी को कोई डाउट? जैसे मैं मुझको थाउजेंड ऑफ थाउजेंड्स जो है ना डेटा के अंदर से एक्सट्रैक्ट अब एक बार किया लगा है के वो, नीचे, एक बार लगा के नीचे ड्रैग कर दो। नहीं, जैसे ऐसा ना मुझको जो थाउजेंड ऑफ थाउजेंड जो है ना वो सर्च करने हैं वी लुकअप से, या कोई कहीं कैपिटल होता है कहीं स्मॉल होता है, तो ये जो एडजेक्ट है ना उसका मैच करना पड़ता है और डेटा जो है वो डिफरेंट फॉर्म में आता है, तो उसमें ये पहले क्लीन करें फिर उसे ट्रिम करें, हाँ और अगर वो आपके स्मॉल में है तो उसको अपर में करें। नहीं, जरूरी नहीं है। देखिए, आप अगर लुकअप करना चाहते हो, एक्सेल के अंदर में केस सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक है, तो किसी तरह का लुकअप और मैचिंग के लिए आपको आपको बड़ा या छोटा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बात ये समझ लीजिए आप, हाँ, लुकअप और मैचिंग तो भी लुकअप कंडीशन में किसी भी फॉर्मूले में आपको जो है ना केस सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक। अगर ऐसा बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा करने का फॉर्मूला है, उससे कर सकते हो आप, मैं बताऊंगा उसके बारे में। अब इसमें देखिए एक चीज और है कि सुजीत और कुमार के बीच में स्पेस था, एक सेग्रीगेशन था, मैंने सेग्रीगेट कर रखा था, लेकिन क्या हुआ जब हमने ये किया, मतलब कि जब हमने ट्रिम और क्लीन का यूज किया तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये पूरा इकट्ठा कर दिया। मुझे क्या करना है कि ट्रिम को जो अनवांटेड स्पेस था, जो ऑल टेम्पर करके मैंने लाया था, उसको मुझे रिमूव नहीं करने थे, उसको मुझे स्पेस में रिप्लेस करने थे। मतलब मुझे एक नया फॉर्मूला जानना होगा है किसी पर्टिकुलर करेक्टर को किसी अनोदर करेक्टर में किस तरीके से रिप्लेस किया जाता है। ठीक है सर, तो चलिए इस बात को हम जानते हैं। सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे कि कौन सा फॉर्मूला है जो एक दूसरे एक एक किसी करेक्टर किसी और करेक्टर से रिप्लेस कर दे। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है सब्स्टिट्यूट का। मैं सबसे पहले एक थोड़ा सा डेटा ले लेता हूं। मैंने यहां पे लिखा 123.369.a, मैं जितने भी डॉट है ना डॉट को स्पेस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, डॉट को स्पेस में, स्पेस में नहीं मतलब डैश में। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सब्स्टिट्यूट का। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला क्या करता है कि जो टेक्स्ट आप डालते हो, जैसे इस टेक्स्ट के अंदर में मैंने बोला डॉट को डैश में कन्वर्ट करना है, तो इसके अंदर जितने भी डॉट हैं सबको डैश में कन्वर्ट करेंगे। लगाने का तरीका सिंपल है कि E2 मतलब किसके अंदर डॉट को डैश में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और लास्ट में इंस्टेंस में मैं बताता हूं आपको कि ये क्या करेगा, यहां पे कन्वर्ट कर दिया। लेकिन एक लास्ट में आपने देखा होगा एक इंस्टेंस नंबर था, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि जो बड़ी ब्रैकेट में है उसको ऑप्शनल होता है, मतलब उसको डालने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहां पे नहीं डाला फिर भी मेरा काम कर गया, लेकिन डालने पे उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा। तो यहां पे अगर मैं वन डालता हूं सिर्फ पहले डॉट को नंबर हो गया, मतलब कि अगर मैं कुछ ना डालू जितने भी डॉट दिखेंगे सबको रिप्लेस मार देगा। अगर मैं यहाँ पर्टिकुलर नंबर डालता हूं तो जो नंबर डालूंगा उसी को रिप्लेस करेगा।
ठीक है, अगर मैं टू डालू तो दूसरा आयो करेगा। हाँ सर, अगर पीछे से पहला डॉट, हेलो क्या बोल रहे सर? जी, मैं ये कह रहा हूँ अगर ये पता करना हो लास्ट से पहला डॉट कौन सा और वो रिप्लेस करना हो तो। सर उसके लिए एक्सेल में नहीं है कुछ, वो अबेलियन में है, इनिस या रिवर्स का फॉर्मूला ओके ठीक ये आगे से ही चलेगा। सर, नेगेटिव वन ही नहीं नहीं नेगेटिव वन नहीं चलेगा, आई थिंक देख लेते हैं, मैंने कभी ट्राई किया नहीं है। माइनस वन नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमने पता चल गया, एक और फॉर्मूला होता है रिप्लेस करने के लिए, रिप्लेस का फॉर्मूला। रिप्लेस फॉर्मूला भी सेम करता है लेकिन इसका थोड़ा अलग तरीका है। तरीका यह है कि ए टू में जाएगा, स्टार्ट नंबर कहां से स्टार्ट करना है, तो 1 2 3 4 से स्टार्ट करना है। कितने डिजिट को रिप्लेस करना है, एक डिजिट को रिप्लेस करना है, और किसमें रिप्लेस करना है तो डैश में करना है। देखिए सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला क्या करता है, सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला करता है कि आपके जितने भी नंबर होंगे, तो जितने भी आपके करेक्टर होंगे उसको ढूंढ ढूंढ कर रिप्लेस कर देगा करेक्टर के बिहाफ पे। लेकिन रिप्लेस वाला क्या करता है कि पोजीशन के हिसाब से रिप्लेस करता है, कि मैं चाहता हूं मैं तीसरे चौथे नंबर करेक्टर को रिप्लेस करना चाहता हूँ, पांचवें नंबर करेक्टर को रिप्लेस करना चाहता हूँ, क्योंकि एक पर्टिकुलर करेक्टर नहीं है, करेक्टर का पोजिशन है। तो उस केस में हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूला। तो सब्स्टिट्यूट रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला क्लियर है? कोई डाउट सर? रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है? अब आगे नहीं बढ़ते सर, हैं जो सर जो प्लीज रिप्लेस वाला रिपीट कर दीजिएगा। अच्छा रिप्लेस रिपीट करना है, एक मिनट। देखिए रिप्लेस का कुछ नहीं है, यहां पे आपको लगाना है फॉर्मूला रिप्लेस का टेक्स्ट, जिसमें आप रिप्लेस करना, जिसका रिप्लेस करना है आपको। फिर यहां पे देना होता है स्टार्ट नंबर कि आपका कहां से स्टार्ट है। तो मैंने बोला कि मेरा जो है 1 2 3 एंड डॉट जो चौथे नंबर पे है, तो मैं 4 दे दिया और मुझे सिर्फ एक डॉट को ही रिप्लेस करना है। अगर मैं डॉट और 3 को रिप्लेस करना होगा तो 2 देता, लेकिन मुझे सिर्फ डॉट को रिप्लेस करना है। मतलब कितने नंबर कैरेक्टर को रिप्लेस करना है, तो सिर्फ मुझे डॉट को रिप्लेस करना है। तो यहां पे मैंने लिख दिया 1 और किससे रिप्लेस करना है, तो डैश से रिप्लेस करना है। एंटर मार, रिप्लेस हो गया। हसन जी समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। अब यहां पे बात करते हैं हम, यहां पे हमने जो ये जो एक मिनट इसमें हटा देते हैं, यहां पे हमने जो फॉर्मूला लगाया सुजीत और कुमार के लिए, उसमें मुझे जो हमने जो ट्रिम किया, या ट्रिम नहीं भी कोई दिक्कत नहीं, जो सटा हुआ रहा है इसके बीच में स्पेस चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि जो टी और के बीच का जो करेक्टर है उसको रिप्लेस करना, लेकिन प्रॉब्लम है कि मैं फॉर्मूले में डालूंगा कैसे। सब्स्टिट्यूट में अंदर गया, इसको सेलेक्ट किया और मैं इस पे ऑल्ट एम मारूंगा तो कर्सर नीचे आ जाएगा, क्योंकि गलत हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहां पे स्क्वायर और कोड की मदद लेते हैं। मैं एक अलग सेल में F2 प्रेस करके ऑल्ट एंटर डाल दूंगा, सिर्फ एक ऑल्ट एंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद मैं यहां पे कोड का फॉर्मूला आगे पता करता हूं कि इसका स्काई वैल्यू क्या है, इस पर्टिकुलर करेक्टर का स्काई वैल्यू क्या है। तो पता चला कि 10 है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं CHR के अंदर में 10 डालूं तो क्या होगा कि सेम जो हमने यहां पे टाइप किया था वो तो सेम चीज यहां पे रिफ्लेक्ट होगा। अगर मैं मैच करना चाहूं तो मैं इक्वल लगा के मैच कर सकता हूं, ट्रू आएगा। तो इसका मतलब है कि मैं यहां पे जाऊं और यहां पे मैं फॉर्मूला लगाऊं कोड का, सॉरी माफ कीजिएगा, सब्स्टिट्यूट का, इसको सिलेक्ट करूं, फिर कॉमा डालूं, CHR कैर 10 और कॉमा बोलू, इसको स्पेस में करो, हो गया।
किसी को डाउट? हसन जी समझ में आया आपको? जी सर, ये बीच में सब यहाँ से बताइए क्या बोले। सर, ये जो आपने भी स्पेस डाली है, अब इस स्पेस को रिमूव करना है तो फिर क्या लेंथ के फॉर्मूले से कर दें इसको रिमूव, या कैसे रिप्लेस कर दें? स्पेस रिमूव करना मतलब किससे रिमूव करना है उसको? सुजीत कुमार जो आपने लिखा है, ये भी लिखा आ रहा है ना, सुजीत सुजीत स्पेस कुमार, खाली सुजीत कुमार इकट्ठा हो जाए। अगर स्पेस फिर वापस सब्स्टिट्यूट लगेगा, फिर वापस स्पेस को रिमूव करना होगा ब्लाइंड में। समझ में आया या दोबारा बताओ करके दिखाओ? समझ में आ गया सर, समझ आ गया सर, समझ गया। ठीक है, तो आगे फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। आगे का फॉर्मूला हमारे पास जो है उसके तरफ बढ़ते हैं। अब आगे छोटे मोटे फॉर्मूला है उसको देखते हैं। तो कुछ फॉर्मूले मैंने इस टॉपिक का ये हुआ कि कहने का मतलब ये कि कोई फॉर्मूला आप ये नहीं कर सकते कि इसका कोई यूज नहीं है, कहीं ना कहीं वो यूज दे ही देता है, सब जगह यूज है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ ना कि प्रोग्रामर ने जब फॉर्मूला बनाया होगा तो आपको लगता है कि इजीली बन गया होगा, एक एक फॉर्मूला के लिए वो कितना मेहनत किया होगा, कितनी लंबी कोडिंग लिखनी पड़ेगी। अगर वो फालतू चीजें होता तो इतना लंबा मेहनत क्यों करता हो क्या सर? बात है कि अगर कोई पता चला प्रोग्राम भी आगे तक जब धीरे प्रोग्रामिंग सीखोगे, छोटे छोटे काम के लिए आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा, तो अनवांटेड चीजें मेहनत थोड़ी करोगे आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास छोटे मोटे फॉर्मूला है, जैसे कि एग्जैक्ट का फॉर्मूला। अभी मैं इनसे बात कर रहा था कि केस सेंसिटिव एक्सेल नहीं होता है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे राम और यहाँ पे आर ए एम राम लिख रखा है, तो ये दोनों आपस में बराबर दिखेंगे, चाहे वी लुकअप में यूज कर लो, मैच में यूज कर लो, इफ में यूज कर लो, हर जगह में ये दोनों आपको बराबर दिखेंगे, मैच करेंगे। लेकिन कभी आपको जरूरत पड़े कि नहीं मुझे एकदम केस सेंसिटिव रखना है कि भाई सबका लेटर सेम होना चाहिए, तो उस केस में आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एग्जैक्ट फॉर्मूले के अंदर में जो है आप दो चीजें रखिए, दैट इक्वल टू दैट, ठीक है? ठीक, मैं इक्वल नहीं करना, तो माफ कीजिएगा, सिर्फ कॉमा डालना है दोनों। जो दो चीज यहां पे डालोगे वो अगर दोनों आपस में बराबर होंगे तो एग्जैक्ट का रिजल्ट ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा क्योंकि बराबर नहीं है। अगर मैं दोनों को बराबर लिख दूं तो दैन ट्रू आएगा। तो आपको कभी इस तरह से केस सेंसिटिव मैचिंग करना हुआ तो आप एग्जैक्ट यूज कर सकते हो। अब एग्जैक्ट के बाद हमारे पास आता है फिक्स और डॉलर। जो आप लोग आगे चले कुछ बिल वगैरह आप लोग बनाते हैं तो आप कोई पर्टिकुलर नंबर लिखते हैं, तो गलती से इस नंबर पे कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट अप्लाई हो जाता है तो वो अजीब सा हो जाता है, इस तरह से डे टाइम में बन जाता है। आप चाहते हैं कि नहीं, मेरा जो पर्टिकुलर नंबर मैंने यहाँ पे लिखा, अगर मैंने ये लिखा इससे किसी तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाई करे तो चेंज ना हो, इसकी किसी ने परसेंटेज कन्वर्ट कर दिया गलती से या डेट में या टाइम में, तो ये अपना रिजल्ट जैसा वैसा ही रखें। तो आप इस नंबर को आप हाइपर डॉलर में डाल दीजिए, 14521, तो ये डॉलर में फिक्स हो जाएगा, इससे किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग नहीं चलेगा, बट डॉलर साइन लग के आएगा। या फिर इस नंबर को आप अगर डॉलर साइन नहीं चाहते हो तो आप फिक्स के अंदर में रख दीजिए। तो दोनों फॉर्मूले के अंदर में आप इससे किसी भी तरह की कैलकुलेशंस नहीं कर सकते हो, फिर किसी तरह की फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हो, कैलकुलेशन बदल तो होगा। ठीक है सर, जैसे डेट है, हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक डेट है और दूसरी डेट है, एक पर्टिकुलर से कितने डेज आगे पीछे हो गए हैं ये हमें निकालने हैं, माइनस कर दीजिए, माइनस करते हैं, लेकिन डेट के फॉर्मेट में कभी कभी वो करेक्ट, तो उस माइनस को, उस माइनस को फिक्स करने में डाल दीजिए, उस माइनस को फिक्स करने में डालिए। जैसे कि आपका दो डेट है यहाँ पे, मान लीजिए कि मैं 1 जनवरी और यहाँ पे डेट डाला हुआ है, अब आप बोलते हो कि जब इसको मैं माइनस करता हूँ
तो अभी तो यार है, लेकिन कभी कभी क्या होता है डेट इस तरह से डेट में आ जाता है। तो आप क्या कीजिए, आप क्या कीजिए कि इसको फिक्स के अंदर में माइनस कीजिए। ठीक है, तो चेंज नहीं होगा। हाँ तो चेंज नहीं होगा, वो फिक्स क्योंकि चेंज नहीं होने देता ना कभी इस तरह का, वो नंबर फिक्स होगा। फिक्स मतलब नाम ही से पता चलता है फिक्स। अब आते हैं हम सर, ये फिक्स का सर दोबारा रिफ्रेश करवा दें, फिक्स क्या था सर? फिक्स सर, था फिक्स का दोबारा रिफ्रेश सर, फिक्स था ना कि फिक्स जो नंबर इसके अंदर डालोगे उसी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उससे किसी तरह का फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होने देता है। नंबर फॉर्मेटिंग जैसे डेट टाइम फिल्टर विल्टर जो होता है ना, डेट टाइम हो गया आपको, कॉमा हो गया, डेसिमल हो गए, परसेंटेज हो गया, जो भी आप नंबर फॉर्मेटिंग है वो कोई फॉर्मेटिंग इससे काम नहीं करता है। अब बात करते हैं कि किसी मान लीजिए कि मैंने अपना ही नाम लिखता हूँ, इसको केस चेंज करना है। अगर मुझे इसको अपर केस में करना है तो यहाँ पे मैं अपर का फॉर्मूला लगाऊंगा, लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो लोअर का फॉर्मूला लगाऊंगा, एंड प्रोपर केस में कन्वर्ट करना है तो मैं प्रोपर का फॉर्मूला लगाऊंगा, प्रोपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोपर केस में क्या होता है, हर वर्ड जितने भी वर्ड इसके अंदर होते हैं हर वर्ड के आगे की वैल्यू जो है, तो पहली वैल्यू जो है वो कर देता है कन्वर्ट। ठीक है सर। अब लेकिन मुझे टाइटल केस चाहिए, मतलब कि मैं हर सेल का पहला लेटर, सिर्फ पहला लेटर अपर में चेंज करना चाहता हूं, उसके लिए क्या करेंगे सर? बताइए क्या करेंगे? गौतम जी जी क्या करेंगे? रिप्लेस कर सकते हैं? हेलो, रिप्लेस कर सकते हैं उसको? बस पहला लेटर करना है ना, सिर्फ पहला लेटर ना। आप करके देखिए अपने सिस्टम पे, फर्स्ट आप लोग अपने सिस्टम में करके देखिए। तो पहला लेटर तो कुछ भी हो सकता है ना? हाँ कुछ भी हो सकता है। हाँ हेलो, तो समझ में आ नहीं समझ में आया। अब देखिए सर, बात है ना कि एग्जाम्पल जो है उसको तो ट्राई कीजिएगा तभी तो पता चलेगा ना। मेरे सिर्फ बताने से कुछ दिमाग अपना ही दौड़ाइए, जैसा आप अपने ऑफिस में दौड़ाते हैं जब बॉस कोई काम देता है तो दिमाग ऐसे चलता है, और अप्रेजल टाइम पे तो और चलता है, जब अप्रेजल आने वाला होता है तो दिमाग घोड़े की तरह दौड़ता है। दोहराइए तो यहाँ सिंपल सा है, देखिए आप लोग क्या, देखिए सुजीत कुमार है ना, हमारे पास एक फॉर्मूला है लेफ्ट का, जो कि मैं लेफ्ट से डिजिट उठा लेता है, तो मैं लेफ्ट से एक डिजिट उठा लिया तो प्रॉपर यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं प्रॉपर तो फिर हर हर वर्ड करेगा ना। मैंने क्या किया, प्रॉपर हो जाएगा, फर्स्ट कैपिटल का बाद, फर्स्ट कैपिटल बाद का स्मॉल हो जाएगा। नहीं प्रॉपर में क्या होता है, ऊपर प्रॉपर लगा तो रखा है ना मैंने, क्या हर वर्ड का फर्स्ट लेटर को बड़ा करेगा। मुझे टाइटल किसमें कन्वर्ट करना है, मतलब कि सिर्फ पहला लेटर एक एक इसका एक सेल का, फिर मैं इसको अपर में कन्वर्ट करूंगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे राइट का फॉर्मूला लगाऊंगा। राइट को राइट, देखिए लेफ्ट फॉर्मूला क्या करता है, लेफ्ट से अलग करता है, तो लेफ्ट से एक डिजिट को इसने निकाल के दे दिया,
इसको कन्वर्ट कर लिया। देन हमारे पास फॉर्मूला होता है राइट का। राइट फॉर्मूला क्या करता है कि राइट से मतलब किधर से आर से स्टार्ट करेगा। मैंने अब आर से स्टार्ट करना है, मुझे पूरा चाहिए लेकिन पहला छोड़ के। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसे मैंने लगाया लेन। लेन क्या करता है, इसकी कंप्लीट लेंथ निकालता है। तो मैं बोला इसकी कंप्लीट लेंथ में से एक कम, तो सब लाएगा, पहला एस नहीं लाएगा। देन इसको लोअर में कन्वर्ट करेंगे और वापस में इसको आपस में कॉन्कैटेनेट के फॉर्मूले के साथ कंबाइन कर देंगे। ठीक है सर, समझ में आया? या फिर कॉन्कैटेनेट फॉर्मूला नहीं लगा सकते तो आप इसको एन परसेंट से भी लगा सकते हो आप यहां पे। तो हमेशा फर्स्ट लेटर, चाहे कुछ भी लिखो, फर्स्ट लेटर आपका हमेशा बड़ा रहेगा। अब चाहिए इसको मर्ज करते हैं, फॉर्मूले को कॉपी किया मैंने, मर्ज कर दिया। हाँ बोले, क्या बोल रहे थे सर? सही दोबारा से दोबारा दोबारा बता दो दोबारा। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लेफ्ट का फॉर्मूला, जो कि लेफ्ट साइड से मतलब आगे के साइड से जितना नंबर ऑफ डिजिट बोलोगे उतना ही नंबर डिजिट को अलग करके आपको दे देगा। तो मैंने यहाँ पे लगाया लेफ्ट का फॉर्मूला और लेफ्ट का फॉर्मूला बोला यहाँ से मुझे एक डिजिट अलग करो, पहली डिजिट। तो ये क्या करेगा कि जो भी हम टाइप करेंगे उस ऑटोमेटिकली उसकी पहली डिजिट एस हो या जो भी डिजिट होगा, जरूरी नहीं कि एस ही हो, वो पहले डिजिट को अलग कर देगा। ठीक है सर, उसके बाद मैं इसको अपर के फॉर्मूला लगा के कन्वर्ट कर लिया। मैं इसको नहीं, माफ कीजिएगा, अपर के फॉर्मूला लगा के जो एस जो आया था, जो फर्स्ट लेटर आया था, उस फर्स्ट लेटर को मैंने कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट हो गया अपर केस में। अब मुझे बाकी के सारी चाहिए तभी तो कंबाइन करूंगा मैं, मतलब कि पहले लेटर छोड़ के। तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है राइट का, जो कि राइट से अलग करता है, लेफ्ट क्या करता है लेफ्ट से चलता है, राइट क्या करता है राइट से चलता है। तो राइट को मैं बोलूंगा, अब इसमें राइट में क्या है, नंबर देने होते 4, 5, 6, 7, 8, 10, इस तरह से मुझे नंबर देने होते हैं, वो अलग करता है। लेकिन प्रॉब्लम है कि नंबर बहुत, क्या हो सकता है कुछ और नंबर हो, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो यहां पे मैंने क्या किया, राइट का फॉर्मूला में लेन का फॉर्मूला लगाया, एल ई एन लेन, और फिर इसको सिलेक्ट किया। तो लेन क्या करता है, कंप्लीट लेंथ। तो अगर सिर्फ लेन लगा दो तो पूरा आ जाएगा, लेकिन मुझे क्या करना, एक कम लेना है ना, तो लेन को हम -1 कर देंगे। तो क्या करेगा, सिर्फ एक कम करेगा। देन इसको मैं लोअर में कन्वर्ट करूंगा, ताकि अगर अपर केस में हो तो लोअर में बन जाए। अब दो आगे, एक तो ए आ गया रिजल्ट मेरा, एक ए रिजल्ट आ गया। अब दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा एन परसेंट से। आ गया सुजीत कुमार सर, ये C40 और D40 को सर अगर एम्बेड करना हो एक फॉर्मूला में, तो अपर बाहर आएगा और जो है दूसरा वाला। अब इसमें आपको करना है मर्जिंग करना, मर्ज करना है, तो फॉर्मूला मर्जिंग के मेथड अपना जो मैं बताया था, आपने अलग अलग लिख लिया, आपका रिजल्ट फाइनल आ गया। अब यहाँ चलो मुझे सिर्फ इस रिजल्ट को चाहिए ना, तो यहाँ से मैं चलता हूँ कि इस लेफ्ट को कॉपी करूंगा और मैं इस अपर में लिख दूंगा। ठीक है, देन मैं इस अपर को कॉपी करूंगा और यहाँ जो D40 है इसको पेस्ट कर दूंगा। देन मैं इसको कॉपी करूंगा राइट को और इस लोअर के जो मैं E40 है E40 में पेस्ट कर दूंगा। मैं जिसका कॉपी रिफरेंस उसमें पेस्ट करते चलेगा। तो एक क्या है आपका F40 है, यहाँ पे देखिए आपका लास्ट में F40 है, F40 की जगह पे हम F40 का फॉर्मूला डाल देंगे। ये रहा, अब इसको डिलीट कर सकते हो आप, ये फॉर्मूला आपका आ गया। अगर एक साथ लगाना चाहते हो तो इस तरह से लगेगा कि अपर, अपर के अंदर में होगा लेफ्ट, लेफ्ट में से एक डिजिट से ये पहला लेटर अलग हो गया, इसके साथ कंबाइन होगा लोअर, लोअर में आएगा राइट, राइट में से लेन -1, बस सिंपल है।
सर हेलो, हाँ क्या गलती हो गया? हेलो सर, बोलिए सर, हमें पहला लेटर कैपिटल करना है। हेलो हाँ हाँ पहला लेटर कैपिटल करना है, सर, पहला लेटर कैपिटल करना, बाकी स्मॉल, फिर सेकंड कुमार का के कैपिटल, बाकी नहीं नहीं स्मॉल, वो यही तो करना है ना? नहीं नहीं वो तो उसके लिए तो ओपन है हमारे पास, बाकी सारा स्मॉल होना चाहिए। अच्छा, एस कैपिटल केवल। हाँ तो बाकी अगर आप हर हर वर्ड का फॉर्मूले करना चाहते हो उसके लिए तो प्रॉपर फॉर्मूला आपके पास है ही। अब देखिए इस फॉर्मूले में मैंने यहाँ से कहीं गलती हो गई है, इसलिए मेरा एक ब्रैकेट छूटा हुआ है। अब बताइए इस फॉर्मूले में कहाँ गलती हुई है? इस फॉर्मूले में आप लोग ढूंढ बताइए कि मैंने गलती कहाँ की है। पहला पहले में ब्रैकेट होगा, कौन सा पहले? अपर फर्स्ट वाला है ना, ऊपर से पहले। ये से पहले क्यों ब्रैकेट आएगा? B40, B40 पे। नहीं ये एज दिख रहा है आपको, यहाँ जो बड़ाई का ध्यान होना चाहिए, इस अपर को मैंने क्लोज नहीं किया है, समझे? इसलिए सारा अपर में कन्वर्ट होके आ रहा है। अब सही आएगा आपका, ठीक है? या फिर देखने का तरीका है कि अगर आप फिर भी आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो कि आपका फॉर्मूला कहाँ एरर दे रहा है, तो आप क्या कीजिए, फॉर्मूला बार में जाइए और यहाँ पे एगुलेट फॉर्मूला होता है, इस पर क्लिक कीजिए। ये आपको बताएगा कि फॉर्मूले का प्रोसेसिंग क्या है, कैसे प्रोसेस कर रहा है वन बाई वन। ठीक है, तो हम कॉन्करेंट की बात कर रहे थे, तो कॉन्करेंट क्या करता है कि दो टेक्स्ट को आपस में जोड़ता है, जैसे सुजीत और कुमार अलग अलग में लिख रखे हैं, इसको आपस में कंबाइन करता है आपका टेक्स्ट फॉर्मूला। अगर तो बीच सर, ये में जैसे आप बताइए, सुजीत कुमार, हाँ सुजीत का एस बड़ा, के का बड़ा करना तो प्रॉपर से होगा। हाँ प्रॉपर, आप उससे तो बना हुआ फॉर्मूला है, प्रॉपर प्रॉपर में लगा रखा है। सारे दो सब बड़ा हो जाएगा। अब यहां पे देखिए कि सुजीत और कुमार को मैं दोहरा देता हूँ कि सुजीत और कुमार अलग अलग है। आगे बढ़े सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आ गया आप लोगों को? ये आगे बढ़ते हैं, दो अलग अलग टेक्स्ट है, इसको आपस में अगर मुझे कंबाइन करना है कि इसको और इसको आपस में कंबाइन करना है, तो सुजीत और कुमार कंबाइन कर सकते हैं एन परसेंट से, या फिर आप एन परसेंट नहीं लगाओ तो कॉन्कॉर्ड नेट का फॉर्मूला है, इस कॉन्कॉर्ड नेट के फॉर्मूले को भी आप लगा सकते हो। दो फॉर्मूले आपके पास, उसे यूज कर सकते हो। बीच में अगर स्पेस चाहिए तो एंड के बाद यहाँ पे स्पेस डालिए, वापस एन परसेंट लगाइए, स्पेस आ जाएगा। सेम यहां भी इनवर्टेड कॉमा में स्पेस एंड वापस क्लोज कीजिए, ये आपका स्पेस आ जाएगा। ठीक है सर, लेकिन अगर मुझे दो डेट को आपस में कंबाइन करना है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहां से लेके इसको आपस में कंबाइन करना चाहता हूं, तो क्या कंबाइन होगा? देख लीजिए, नहीं हुआ, नंबर आ गया ना, क्योंकि हम जानते हैं कि डेट जो है नंबर में कैरी होता है, और जब भी हम कोई फॉर्मूला डेट पे बताते हो नंबर पे वर्क करता है, एक चीज मैं आपको कस्टम फॉर्मेटिंग में समझा चुका हूं, तो यहां पे इसी प्रॉब्लम आ रही है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि हमारे पास एक टेक्स्ट का फॉर्मूला होता है, जो कस्टम फॉर्मेटिंग में चीजें हम करते थे, आपको याद होगा मैंने टेक्स्ट फॉर्मूला बताया था, तो टेक्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि टेक्स्ट कॉमा डीडी स्लैश एमएमएम स्लैश वाई 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 स्लैश डैश देते हैं, और इसलिए और फिर मैं इसको कॉन्करा में कर देता हूं। अगर बीच में कोई सेग्रेटर चाहिए तो मैंने सेग्रेटर भी लगा दिया, या फिर यहां लगा दिया टू, और वापस एंड और वापस टेक्स्ट लगाया, इसको सिलेक्ट किया कॉमा डी 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 एम 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 एल वाई 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 एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो डेट एंड टाइम को या फिर किसी अलग फॉर्मेट के साथ कंबाइन करना चाहते हो तो टेक्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो।
तो कौन सा रेट आ गया आप लोगों को समझ में? हाँ सर जी बिल्कुल। अब हमारे पास एक रिपीट का फॉर्मूला होता है, रिपीट फॉर्मूला रेप उसको बोलते हैं। मैंने यहाँ पे कलेक्टर ए लिखा, अगर मैं इसको रेप्ट लगाऊं REPT रेप्ट, इसको सिलेक्ट करूं, अब बोलूं कि पांच बार इसको रिपीट कर दो, तो इसे पांच बार रिपीट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूं, मैंने ए लिखा और इसको बोला कि भाई रेप्ट यूज किया और बोला पांच बार रिपीट कर दो, तो पांच बार रिपीट कर देगा। अब आपको एक रिसर्च करने